वंदे मातरम साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, DSSB से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहां पे आ चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक वॉच कर सकते हैं। अभी अभी 5 से 7 भर्तियों से रिलेटेड बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। ये बड़ी खबर किस प्रकार के साथियों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों, आप इसको यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर की ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये साथियों DSSB के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे नंबर है, सीरियल नंबर दिए गए 1, 2, 3, 7। यहाँ पे साथियों पोस्ट का नाम दिया गया, नेम ऑफ दी पोस्ट, सब कुछ यहाँ पे डिटेल चेकआउट कर सकते हैं आप। यहाँ पे पोस्ट का कोड है साथियों, ये आपके एग्जाम हुए थे 9 नवम्बर से लेकर साथियों 18 नवम्बर तक, ठीक है। जूनियर क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, इस प्रकार से साथियों ये 7 प्रकार की आपकी भर्तियां, ठीक है। तो प्यारे साथियों, DSSB के द्वारा इनकी जो आंसर की है, ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी गई है, ठीक है। अगर साथियों इन भर्तियों से रिलेटेड आप कैंडिडेट हैं तो आपकी जो आंसर की है साथियों, ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी गई है, आप इजीली अपने नंबर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। और आप प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कब से लगा सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रश्न करेक्ट किया है और DSSB ने यहाँ पे गलत मान रखा है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कब लगा सकते हैं साथियों, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। नंबर 3 में ध्यान से चेकआउट कीजिए, 25 से लेकर 29 तक। तो प्यारे साथियों, अगर आप इन भर्तियों से रिलेटेड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे आंसर की चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया 25 से 29 तक रहेंगी, ठीक है। और ये जो नोटिस है साथियों, अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दिया, वहां से आप इजीली इसे चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।